गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज मैथ्स वन. देखिए मैथ्स में आज हमारी एक्सरसाइज 4.11, पेज नंबर है 69. फाइंड द डिफरेंस एंड चेक योर आंसर यूजिंग एडिशन. ठीक है, पहले हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें देखना है एडिशन के द्वारा कि हमारा आंसर राइट है या नहीं है. देखिए सबसे पहले नंबर वन देखते हैं, हमारे पास टू नंबर्स हैं 31 और 15. ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सा साइन है, ये माइनस का सब्ट्रैक्ट का साइन है. सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे वंस में हमारा ऊपर 1 है और नीचे 5. ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 बोरो लिया है टेंस में से, तो यहाँ पे बना हमारा 11. 11 में से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे 6 बचते हैं. उसके बाद टेंस में 2 बचे, 2 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1. ठीक है, 16 यहाँ पे हमारा आंसर आया. अब ध्यान से देखेंगे कि हम जो हमारा एडिशन के द्वारा डिफरेंस हम चेक करते हैं वो कैसे करेंगे. देखिए सबसे पहले हम वन स्टेंस डालेंगे, वन स्टेंस के बाद जो हमारा आंसर आएगा हम उसको लिखेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा हम उसको लिखेंगे, और उसके बाद इन दोनों नंबर्स में से हम स्मॉल नंबर को लिखेंगे. ये बात हम ध्यान रखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में से जो स्मॉल नंबर होगा हम डिफरेंस के नीचे, जो ये डिफरेंस है डिफरेंस के नीचे हम स्मॉल नंबर लिखेंगे. ठीक है, तो 15 स्मॉल है तो हमने यहाँ पे 15 डाला और इनको हम प्लस कर देंगे. अब देखिए 6 प्लस 5 11. ठीक है, 11 यहाँ पे है तो 1 कैरी 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आया 31. अब देखिए हम चेक कैसे करते हैं, अब हमें पता चल जाएगा अगर इन दोनों का प्लस 31 और जो यहाँ पे जो बिगर नंबर है वो सेम है तो हमारा क्वेश्चन आंसर जो है वो सही है. समझ आया, ये वाला आंसर और ये आपका जो बिगर नंबर है वो मैच होने चाहिए. ठीक है, तो ही आपका सम ठीक होगा. अब यहाँ पे इनका प्लस जो है वो 31 है और यहाँ पे बिगर नंबर भी 31 है, इसका मतलब हमारा सम जो है वो ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 72 और 36 माइनस करेंगे. 1 हमने बोरो लिया 12 में से, 6 को माइनस किया 6, यहाँ पे 6 है, 6 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो 3. ठीक है, उसके बाद हमने जो डिफरेंस आया है डिफरेंस को ऊपर लिखा और स्मॉल नंबर जो 36 स्मॉल है तो स्मॉल नंबर को हमने नीचे लिखा और इनको प्लस कर दिया. 6 प्लस 6 12 2 1 यहाँ पे हमने कैरी कर दिया 1 और 3 प्लस 3 7. ठीक है, 72 हमारा आंसर आएगा. अब देखिए जो प्लस है 72 और जो हमारा बिगर नंबर है ये सेम है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है. नेक्स्ट है 35 और 17, हम पहले इनको माइनस करते हैं. 15 हमने 1 बोरो लिया, 15 में से 7 को माइनस किया 8, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 118 हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, हम डिफरेंस लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों में से स्मॉलर नंबर लिखेंगे. स्मॉलर नंबर 17 है तो यहाँ पे हमने 17 नंबर लिखा और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे. 8 प्लस 7 15, 15 का 5 हमने यहाँ पे लिखा और 1 हमारा कहाँ पे गया, 1 हमारा गया कैरी. ठीक है, 1 2 3 तीनों को हमने प्लस कर दिया तो 3, 35 आंसर आया. देखो 35 और यहाँ बिगर नंबर क्या है 35, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है. नेक्स्ट है 77 और 39. ठीक है, सबसे पहले हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1 हमने बोरो लिया 17 में से 9 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3, 38 हमारा आंसर आएगा. हम डिफरेंस को ऊपर लिखेंगे, स्मॉलर नंबर को नीचे लिखेंगे और इनको प्लस कर देंगे. 8 प्लस 9 17, 7 यहाँ पे 1 कैरी, सबको प्लस किया तो 7, 77 हमारा प्लस और जो हमारा बिगर नंबर है वो भी 77 है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है. ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.11 थी. सब बच्चे इसको बुक में फिल करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.